हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 जून शिफ्ट दो का केमिस्ट्री पेपर देखेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था 25 जून शिफ्ट दो के पेपर के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आप ही के लिए है ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था, आयन्स दिए हुए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट का ये क्वेश्चन है। क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन और निकिल चार एलिमेंट्स दिए हुए थे। ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 2+ लिया था और इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू पूछा था। तो जब भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू पूछता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए? फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं वो है अंडर रूट एन एन प्लस टू, इस फॉर्मूले से बनाते हैं ना। और एन मतलब क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे चेक करने हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और जिसमें जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इक्वल टू हायर द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एंड वाइस वर्सा। लोअर वैल्यू होगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो लोअर वैल्यू होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आयन्स दिए हुए थे यहाँ क्वेश्चन में। तो क्रोमियम दिया हुआ था 2+, वेनेडियम 2+, आयरन 2+ और निकल 2+। तो किसमें हायर इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, क्रोमियम 2+, वेनेडियम 2+, आयरन 2+ और निकल 2+ दिया हुआ था, ठीक है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। तो ये क्रोमियम का ऐसे ना होकर के क्या हो जाता है, ये 4s1, 3d5, ठीक है। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 6 अनपेयर्ड हो गए। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम 2+ दिया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4s0, 3d4। 2+ दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है ना। तो अब 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एन एन प्लस टू, और एन की जगह पे क्या रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ रख देंगे अंडर रूट 4, 4+2, 4 2 जा 6 और 6 4 जा 24। कितना आएगा, 25 का, अगर रूट 25 अगर हम लोग देखें तो 25 का आता है 5, तो 24 का क्या आएगा, 4.9 समथिंग आएगा। तो ये स्पिन ओनली, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया, 4.9 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है ना, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्रोमियम के लिए हो गया। वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। सेम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो मैं ये पूरा ना लिख करके सिर्फ लास्ट वाला लिख रही हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d3, क्योंकि क्रोमियम का 24 था तो 4s2 3d5 या 4s1 3d5 में ये ऐसे रहता है ये। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4s2 3d3। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में और 3d में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने 2+, यहाँ पे भी 2+ लगा, मतलब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से, पहले लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d ऐसे ही बचा रहेगा। तो ये तो चला गया, बचा क्या, 3d। 3d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, 3+2 क्या आएगा, 3 × √3 × 5, 15, ठीक है। 15 किसका कितना हो जाएगा, 15 का वैल्यू 3.9 के समथिंग आएगा। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो 15 16 से कम है तो 3.9 के समथिंग होगा। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे 3 है तो वो 3.91 कुछ ही आता है, ये एकदम ट्रिक है ना। तो यहाँ पे 4 था तो 4.9, 4.8 ऐसे समथिंग आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3.9, 3.8 ऐसे समथिंग आता है, ठीक है। अब आयरन 2+ है, आयरन 2+, आयरन का एटोमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4s2 3d6, ठीक है। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 3d
सिक्स, और 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 हो गया। तो बचे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना आएगा इसका स्पिन ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 है तो ये 4 पॉइंट के अराउंड आएगा। अच्छा 4 एक और जगह आया था क्या कहीं हमारा, हाँ इसमें भी 4 था ना, तो ये भी 4 पॉइंट के अराउंड आएगा। ठीक है चलो एक बार और चेक कर लेंगे हम लोग, अभी फिलहाल बना के देखते हैं। निकिल 2+, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d8, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, बचेगा क्या 3d8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बचा कितना 2 अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना वैल्यू आएगा 2.8, 2.9 के समथिंग आएगा, है ना, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है। तो अब सबका यूनिट सबका आ गया कितना, क्रोमियम का आया है 4.9, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर वेनेडियम का कितना आया था 3.9 बोर मैग्नेटॉन, और आयरन का कितना आया 4.9, इन दोनों का सेम आया है ना, और निकल का कितना आया है 2.9। और क्वेश्चन में पूछा क्या था विच हैव मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम लोग को ये दोनों सेम भी आया तो कोई मतलब नहीं है, ये तो ज्यादा आया है, सबसे ज्यादा कौन सा है 4.9, फिर उसके बाद 3.9, फिर सबसे कम कौन है 2.89 या 2.9 जो आ रहा है वो वाला आ रहा है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर 3 और फिर 2। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके किसके हैं, एक तो है क्रोमियम का और एक है आयरन का, तो आयरन और क्रोमियम सबसे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे दोनों इक्वल, फिर तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा वेनेडियम, और सबसे लास्ट नंबर पे कौन हो जाएगा निकिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे निकिल, लेस जिसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी का आंसर वही क्या होगा लेस नंबर लेस ऑफ लेस इन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, तो आंसर होगा हमारा निकिल। ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर गिवन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब अगर हिंदी में मैं परिभाषा बोलूं तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के पर प्राप्त ऊर्जा, जैसे ये कोई परमाणु है मान लो यहां पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बदले में हमको क्या देगा एनर्जी, तो ये जो एनर्जी देगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है यही तो इलेक्ट्रॉन लेने पर जो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है आइसोलेटेड स्टेट में लेते हैं एलिमेंट के, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, तो सभी कोई जानते हो कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ठीक है इंक्रीज होता है, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान डिक्रीज होता है, कम होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए थे, अच्छा फ्लोरीन क्लोरीन टेलेरियम और पोलोनियम दिया हुआ था, तो अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन तो दोनों 17वें समूह का है, लेकिन टेलोरियम और पोलोनियम जो है वो कहाँ का है 16वें समूह का है, तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली और यहाँ पे फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन आयोडीन फिर एस्टाटीन, है ना, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन सल्फर फिर सेलेनियम फिर टेलोरियम और फिर पोलोनियम, तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, तो देखो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब टेलोरियम का ज्यादा होगा किससे पोलोनियम से, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से, अभी ये अपवाद है लेकिन यहाँ पे ना एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता है क्लोरीन का ज्यादा होता है, आप लोग पढ़े हो हमेशा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है क्लोरीन की, रीजन क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है ना, तो ये अपवाद था तो इसको आपको तो ध्यान रखना है, ये ध्यान रहता भी है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमेशा पढ़ते हैं, तो ये क्लोरीन का हाईएस्ट हो गया फ्लोरीन से और ये वाला केस तो हम लोग को दिख ही गया। अब चूंकि टेलेरियम और पोलोनियम इधर हैं और फ्लोरीन और क्लोरीन इधर हैं, इसका मतलब टेलेरियम टेलोरियम और पोलोनियम का कम होगा किससे फ्लोरीन और क्लोरीन से, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है ना, तो इनका कम होगा इनका अधिक होगा, तो अब इन दोनों के बीच में क्या ऐसे लिखती हूं मैं, फ्लोरीन और क्लोरीन का अधिक होगा और टेलोरियम और पोलोनियम का कम होगा। ठीक है अब फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये यहां पे लिखा है मैंने, सॉरी थोड़ा
नीचे हो गया था ना, मैं लिखते हुए वक्त नहीं देख पाई। ठीक है, तो ये तो मैंने काट दिया था। टेल्यूरियम का ज्यादा है क्योंकि ये नीचे है, ऊपर है, और पोलोनियम सबसे नीचे इसलिए उसका कम है। ठीक है, अब फ्लोरीन और क्लोरीन का ज्यादा होगा इन दोनों से क्योंकि ये बाएं में है, लेफ्ट में है, और ये राइट में है। लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है ना, तो इधर वाले का ज्यादा होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में मैंने बता दिया कि क्लोरीन का अधिक है फ्लोरीन से, तो ये ऑर्डर हो गया। टेल्यूरियम और पोलोनियम के बीच में मैंने बता दिया था कि टेल्यूरियम का अधिक था पोलोनियम से क्योंकि ये ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम ऊपर और ये पोलोनियम नीचे। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना होता है ना, वैल्यू तो याद कर नहीं पाते हो। अगर वैल्यू याद है तब तो वेल एंड गुड है कि आपको वैल्यू याद है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का वैल्यू भी लिख दे रही हूँ कि किसका कितना है। तो फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है वो -328। माइनस क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना, किलो जूल पर मोल में बता रही हूँ मैं। और क्लोरीन का जो होता है वो है -349 किलो जूल पर मोल। ठीक, टेलुरियम का जो है वो -190 और पोलोनियम का जो है वो -174 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर टेलुरियम का, और सबसे लास्ट में पोलोनियम का। और हम लोग यहाँ पे भी ऑर्डर में भी देखे वही कि क्लोरीन सबसे अधिक, फिर फ्लोरीन, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन में तो क्लोरीन की सर्वाधिक होती है, ये आप लोग पढ़े हैं हमेशा से ही, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, होना चाहिए था फ्लोरीन का, पर बहुत ज्यादा छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है, इसलिए उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो क्लोरीन हाईएस्ट, फ्लोरीन फिर उससे कम, और इन दोनों के बीच में क्योंकि ये ऊपर है तो ये ज्यादा, और ये नीचे है तो ये सबसे कम, और इनके बीच में क्योंकि ये लेफ्ट में है इसलिए इनका कम, और इधर वाले राइट में इसलिए इनका ज्यादा। तो ये वाला ऑर्डर होगा हमारा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में ये ऑर्डर दिया था कि नहीं। सबसे अधिक क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट डीकम्पोज ऑन हीटिंग एज PbNO3 होल ट्वाइस विल गिव्स PbOO2+A। ए एक अननोन कंपाउंड भी दे रहा है ना, जब इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो फिर ए का डाइमराइजेशन कराएंगे, ए का डाइमराइजेशन कराएंगे मतलब उसको जोड़ देंगे ना दो बार, गिव्स बी तो बी देगा, देन नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम इन बी इज। तो आंसर क्या निकालना है हम लोग को, पहले तो ए फाइंड करना है कि ए क्या है, और फिर ए का क्या कराना है, डाइमराइजेशन मतलब इसके दो अणु ले लो और उन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ए और ए दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो इसका क्या नाम बोल रहा है, बी। तो अब इसको ए और ए जब जुड़ गया उसका नाम बी है, उस बी में कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम है, ब्रिज बना रहे हैं ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। लेड नाइट्रेट को हम लोग पहले डिकम्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन करके देखती हूँ मैं। हीट करेंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, और प्लस ए बना रहा है ए। अब ए क्या है भाई, तो ए यहाँ पे NO3 नाइट्रोजन बचा हुआ, ऑक्सीजन तो निकल गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने ऑक्सीजन थे, 3 × 2 = 6, 3 ऑक्सीजन निकल चुके हैं ना, 3 और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से NO2 ही बाहर निकलना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन को, इसको दो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 होना चाहिए ना, 4 × 2 = 8, 9 = 10, और ये 11 और ये 2 = 12 हो गया। बैलेंस रिएक्शन यानी कि हमारा क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ए बन गया। अब ए का डाइमराइजेशन कराना है, तो ए क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसको डाइमराइजेशन कराते हैं, द्विमरीकरण बोलते हैं हिंदी में डाइमराइजेशन को। जब इसका डाइमराइजेशन कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो नाइट्रोजन N2 और 2 × 4 ऑक्सीजन N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में कि डाइमराइजेशन के बाद B बनता है, यानी कि ये हमारा B बन गया, यही B है ना, देन नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम इन बी, मतलब बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम बोला है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग स्ट्रक्चर को पढ़े होते हैं, तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला था आपको, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए था। दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1, 2, 4, 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, हो गया दो ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दे देता है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, कोई भी ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है, ब्रिज मतलब ऑक्सीजन के अगल बगल कुछ होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है दोनों तरफ, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन, पर यहाँ ऐसा नहीं है ना, तो कोई ब्रिज तो बन नहीं रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई ब्रिज बने, और यही बनना है, ये फिक्स है, और ब्रिज बन नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 0,
जीरो आंसर होना चाहिए था, कोई ब्रिजिंग एटम यहाँ पे, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनोमरिक यूनिट ऑफ नोवालेक आर देयर इन 963 ग्राम ऑफ पॉलीमर। नोवालेक एक पॉलीमर है, ठीक है, और उसका कितना ग्राम लिए हैं, 963 ग्राम लिए हुए हैं, तो ये कितने मोनोमरिक यूनिट से बना होगा। अब इसका मोनोमरिक यूनिट क्या होता है नोवालेक का, नोवालेक इससे बनता है, देखो पॉलीमर वाले चैप्टर में इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीज पढ़े हुए हैं ना, ओ एच सी एच टू ओ एच, ये इसका मोनोमरिक यूनिट है, मोनोमरिक यूनिट, ठीक। अब मोनोमरिक यूनिट का, क्योंकि नोवालेक कितना ग्राम लिया है यहाँ पे, 936 ग्राम लिया है। अब मोनोमरिक यूनिट का भार कितना हो जाएगा देख लेते हैं, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर यहाँ है, यहाँ है, इधर है, सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एट हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो दिख रहे हैं, विजिबल है, कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल 6 और 1 7 कार्बन यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग निकालेंगे, मोलर मास हम लोग निकालेंगे, तो मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना आएगा यहाँ, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12 होता है, टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा ये 124 ग्राम पर मोल, है ना, ठीक है। तो ये इतना इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो एक मोनोमरिक यूनिट का भार कितना है, 124, और यहाँ पे नोवालेक का भार कितना आ रहा है, 936, तो कितने बार ये ऐड होगा तो 936 बनेगा। तो सबसे पहले तो मोनोमरिक यूनिट एक से तो बनना नहीं है, कई सारे मोनोमरिक यूनिट जुड़ेंगे, तो यहाँ पे एक और मोनोमरिक यूनिट में जोड़ देती हूँ, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा देखो, जुड़ करके यहाँ OH, यहाँ पे CH2, फिर ये OH, ठीक है, ऐसे ही आगे भी जुड़ते जाएगा, तो यहाँ पे CH2, फिर ये ऐसे, ठीक, सेम नीचे से भी जुड़ते जाता है ना, तब जाकर के पूरा नोवालेक का स्ट्रक्चर बनता है, तो पॉलीमर जुड़ते जा रहा है, तो हर बार जुड़ा है तो क्या बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, ठीक। तो एक इस एक एक मोनोमरिक यूनिट का वेट है 124, इसका भी 124 होगा, इसका भी 124 होगा, लेकिन जब 124 जुड़े हैं तो H2O बाहर निकल रहा है, कितना वेट होता है H2O का, 18, तो 18 18 बाहर भी निकल जा रहा है, तो कितने बार, जितने बार ये जुड़ेगा उतने बार वेट एड होगा, लेकिन उतने ही बार 18 माइनस भी होगा, ठीक है। तो नोवालेक बनाने के लिए क्या देखते हैं, ये H2O 18 माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर इसके कितने यूनिट जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी जुड़े हैं, मैं मान लेती हूँ n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़े हैं, तो n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़े हैं और n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ेंगे तो पूरे का वेट कितना है, एक एक का वेट 124 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, n इंटू 124, ठीक है। आना किसके बराबर चाहिए, वो 963 के बराबर आना चाहिए, माइनस क्योंकि वाटर ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, प्लस, क्योंकि वाटर माइनस होने के बाद 963 बना है, तो 963 प्लस एन माइनस 1 इंटू 18। अब एन माइनस 1 क्यों मैं लिख रही हूं, क्योंकि 1 2 3 बार जब जुड़े तो दो ही वाटर निकला, तो इसके नंबर 3 था, एन बराबर 3 था, तो वाटर का नंबर कितना होगा, एन माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि ये जितने बार जुड़ेंगे उतने बार एन इंटू 124 उसका वेट उतना ही होगा, और वो वेट किसके बराबर आएगा, 963 ये जो नोवालेक बना है वो, प्लस वाटर के बराबर भी आएगा, क्योंकि इसमें वाटर को निकाल के बनाया है ना। मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से। तो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 124 इंटू एन बराबर 963 प्लस 18 इंटू 18 एन माइनस 18, ठीक है। एन एन वाले वैल्यू को एक साइड कर देते हैं, 124 n माइनस 18 n इज इक्वल टू 963 माइनस 18, इसमें से 124 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ये 106 n इज इक्वल टू 963 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ये 54945 n इज इक्वल टू 945 डिवाइडेड बाई 106, ये आ रहा है 8.9, मतलब लगभग लगभग 9 के बराबर, तो n इज इक्वल टू 9, आंसर कितना हो जाएगा
नौ, मतलब कि नौ मोनोमेरिक यूनिट्स, इसके नौ मोनोमेरिक यूनिट्स मैं ऐसे बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ ना, यहाँ सी एच टू, दो सी एच टू, तीन सी एच टू, चार पांच छ सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इधर नीचे डाल देती हूँ, ठीक है, सी एच टू आठ, सी एच टू नौ, ऐसे है ना, कुछ इस तरीके का, मतलब मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, ऐसा ही बनता है, ऐसा नहीं है ना। तो अब देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन क्या है, मोनोमरिक यूनिट्स। कितनी बार एच टू बाहर निकला होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ, एट बार क्या होगा, एट एच टू यहां से क्या हुआ होगा, रिमूव हुआ होगा। तो नाइन मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ेंगे, तो नाइन इंटू कितने हैं इसके, इसका एक एक मोनोमेरिक यूनिट का वेट कितना था, 124, कितना आ जाएगा ये, ये 1116 आ रहा है ना, और एट एच टू ओ बाहर निकले, और एक एच टू ओ का वेट कितना होता है 18, और आठ बाहर निकल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 144, इसमें से 144 माइनस करो कितना आता है, लगभग लगभग 972, मतलब 963 के बहुत क्लोज है, तो ये करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि 9 मोनोमरिक यूनिट्स अगर जुड़ रहे हैं तो 8 H2O बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाए थे कि अगर n मोनोमरिक यूनिट जुड़ रहे हैं, मतलब n नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट जुड़े, n मतलब 9 रख दो मान लो, 9 मोनोमरिक यूनिट जुड़ रहे हैं, तो 9 × 124 टोटल इसका वेट इतना हो जाएगा, है ना, और इधर का वेट कितना आना चाहिए, 963 प्लस ये पूरा टोटल इतना आना चाहिए, लेकिन ये माइनस हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे तो ऐड किए हैं, पर बाद में क्या हो जाएगा, ये चूंकि माइनस हो जाएगा इसलिए एन का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बराबर इतना, क्योंकि 963 तो कम वाला वैल्यू था, पर ये दोनों पूरा ये वाले वैल्यू के बराबर आ रहे हैं ना, एन इंटू, इसलिए इसके साथ एड करके हम लोग वाटर को लिखे हैं ताकि एन का वैल्यू हम लोग निकाल सके। तो एन बराबर कितना आया, नौ। तो कितने मोनोमेरिक यूनिट्स यहाँ पे जुड़ेंगे, हाउ मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ नोवेलिक आर देयर इन 963 ग्राम ऑफ पॉलीमर, 9 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ अ प्रोटीन इज 0.3%, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइसिन इज 75, ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ अ प्रोटीन इज 0.3%, प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, सबको पता है, यहाँ पे कौन सा एमिनो एसिड ले रहा है, ग्लाइसिन, तो कोई प्रोटीन है जो कि ग्लाइसिन से बना हुआ है केवल, है ना, और कितना ग्लाइसिन है उसमें, ग्लाइसिन से बना हुआ है, नहीं उसमें ग्लाइसिन कितना है, 0.3% है, बाकी और भी चीजें होंगी। व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइसिन इज 75, ग्लाइसिन का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है कि 75 ग्राम होता है, और यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम मास ऑफ प्रोटीन, मिनिमम मास, क्योंकि और भी चीजें होंगी लेकिन ग्लाइसिन के कारण कितना मास आ रहा है केवल ये पूछ रहा है ना, तो ये पूछा है प्रोटीन का मिनिमम मास पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइसिन को चेक करते हैं कि ग्लाइसिन होता क्या है। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में दिया है 0.3% ग्लाइसिन है, तो कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन में 100% प्रोटीन है मान लो, 100% प्रोटीन में 0.3% ग्लाइसिन है, इसका मतलब क्लियर है कि अगर 100 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें 0.3 ग्राम क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। तो क्या हम लोग बोलेंगे, 0.3 ग्राम ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन कितना, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन में केवल 0.3 ग्राम क्या है, ग्लाइसिन, बाकी दूसरे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम ग्लाइसिन कितने में होगा, 1 ग्राम ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 3 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम होगा, है ना। अब यहां पे बोला कितना ग्राम है, ग्लाइसिन का मात्रा कितना दिया है, 75 ग्राम, तो 75 ग्राम कितने में होगा, 75 ग्राम ग्लाइसिन इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 75 ग्राम, कितना आ जाएगा ये, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 25, और ये कितना हो गया, 2500, 0.3 था ना, ये यहाँ पे गलत हो गया ना, ये 0.3, तो 0.3 तो ये 3 हो जाएगा, तो ऊपर एक और 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक और 0 है ना, कितने ग्राम आ गए, इतना, इतना प्रोटीन का वेट कितना आया, इतना ग्राम, मतलब मिनिमम वेट है ना ये प्रोटीन का, और भी यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, ग्लाइसिन के अलावा सेरीन हो सकता है, मिथायोनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनसे भी वेट बढ़ेगा, लेकिन ये मिनिमम वेट है क्योंकि ग्लाइसिन के कारण तो इतना वेट आएगा। तो 0.3 ग्राम ग्लाइसिन था 100% में, यानी कि 100 ग्राम में 0.3 ग्राम, 1 ग्राम होगा 100 बाय 0.3 ग्राम में,
तो 75 ग्राम होगा 100 बाई 0.3 इंटू 75, 0.3 को मैंने 3 में कन्वर्ट किया तो ऊपर 0 बढ़ गया ना, ये हो गया 25,000 ग्राम प्रोटीन का वेट, इतना तो होगा ही, मिनिमम वेट होगा हमारा, ये आंसर है। ये 5 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लिए, फर्स्ट ये वाला मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी वाला, फिर ये डाइमराइजेशन वाला रिएक्शन था, उसके बाद नोवा लेक पॉलीमर बहुलीकरण वाले चैप्टर से था, ये पी ब्लॉक से था, ये भी पी ब्लॉक से था, ये डी ब्लॉक से था, ये पॉलीमर वाले चैप्टर से था और ये भी पॉलीमर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, इसी का 25 जून का ही शिफ्ट 2 का ही और भी क्वेश्चन इसके बाद के वीडियो में आएंगे, तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो पहले ही पता चल जाए।